वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुहुबिंग समाज रामा सुख सुबिहंग समाज भील निजिमि छाड़न जहित बचन भयंकर बाज से आवर राम जय जय राम। जय सिया राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चरण में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। हैप्पी नवरात्रि। तो हम आपके लिए लेकर आए श्री रामचरितमानस कथा, और जिसमें इस दोहे पर हमने पिछली वीडियो सुनी थी, जिन्होंने नहीं देखी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर कैकेयी रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने वो दिए हुए वरदान जो उन्होंने पिछले काल में पिछले समय में दिए हुए थे वो मांग रही हैं, और वो मांगने के लिए तैयार हैं। तो हम भी चलते हैं सीधा कोप भवन में, ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए, और देखते हैं कि किस प्रकार रानी कैकेयी राजा दशरथ को मजबूर करती है राम जी को वनवास देने के लिए। तो चलते हैं। महासापरायण तेसरा 13वां विश्राम। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय, उस पर भेड़िए की तरह के कहीं अपना वर्चन रूपी भयंकर वार छोड़ना चाहती है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, ते हूँ एक बर भरत ही टीका, मांगे ओ दूसर भर कर जोरी, प्रभु नाथ मनोरथ मोरी। हे प्राण प्यारे राजा जी, सुनिए, मांगो मांगो बहुत बात कह दिए था, अब देने की बारी आई है, अब अपने पीछे मत हट जाना। मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दे दीजिए कि भरत को राजतिलक हो, पर हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ तो पूर्ण कीजिएगा, कहीं बीच में ही नकार दे। तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरस राम बनवासी, सुनो मृद वचन भूप ससिकर छुअत विकल जिमि कोकु। दूसरे वर में मैं क्या मांगती हूँ, तपस्वियों के भेष में उदासीन भाव से राज कुटुंबादी की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कि कई के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय से शोक हुआ, जैसे चंद्रमा की किरणों का स्पर्श चकवा विकल हो जाता है। गयो सहम नहीं कछु कहीं आवा, जनो सचान भन छपटे ओलावा, विवरण भयो निपट नर बालू, दामनि हन्यो विनहु तरतालु। माथे हाथ मूंद दौ लोचन, तनु धरि सोच लाग चनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत किरण जिमि हत्यो समूला। राजा विकल हो गया कि ये क्या कह देगा कई ने कई, तू ऐसा कैसे बोल सकती है। राजा सहम गए, कुछ कहते ना बने, बाज बन में बटेर में झपट गया हो, राजा का रंग उड़ गया, ताड़ के पेड़ों के बिजली ने मारा हो, जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से झुलस जाती है, वैसे ही हालत राजा की हो गई, क्योंकि ये बात तो दूर दूर तक नहीं सोची थी कि ऐसा भी हो जाएगा। माथे हाथ मुदी दो लोचन, माथे पर हाथ कर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, तनु धरी सोच लाग जनु सोचन, साक्षात सोच शरीर धारण करके सोच कर रही हो, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत किरण जिमि होते समूला। मेरा मनोरथ कल्प वैसे फूल चुका था, परंतु फलते समय के कई ने हाथ ने की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर दिया हो, हे विधाता ये कौन सी करनी है। अवध उजार की ने कह कई, के कई ने योध्या उजाड़ कर कर दिया, और विपत्ति अचल नींव डाल दी, दीनी अचल विपत्ति कह नहीं। कवि ने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास, जोग से दिफल समय जिमी, जीती अवेध्यानास। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग किसी द्रोपिया फल मिलने के समय योगी की विद्या नष्ट कर देती हो। यह विधि राव मन ही मन झाखा, देखी को भात को मित मन माखा,
भरत को रावर पूत न होई, आने हूँ बोल बसे की मोही। राजा मनी मन छीक रहे हैं, राजा कैसा बुरा हाल देखकर दुमती कई मन की बड़ी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्यों, क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर लाए थे? क्या मैं आपकी अभिवाता पत्नी नहीं हूँ? जो सुने सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलो वचन संभारे, देह उतरनु करूं कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपके वांसा लग गया, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते राजा जी, उत्तर दीजिए। हाँ कहिए, नहीं तो ना कहिए, आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध राजा हैं। देन कहूं अब जिनी बर देहु, तजो सत्य जग अपज सुलेहु, सत्य सराही कयो बर देना, जाने उले ही मागे चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही ना दीजिए, सत्य को छोड़ कर दीजिए और जगत में अपने यश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। आपने तो सोचा था ऐसी कुछ मांग लेगी, और जब मैंने कुछ मांग लिया है तो देने से पीछे पाँव करते हो, कर लो कोई बात नहीं। सभी दीजिए बोले जो कुछ भाषा, तनु थनु तजे बचने पनु राखा, अति कटु बचन गईत के मारो लोन चरे पर दे। राजा शिवी, ददी जी और बलि ने कुछ कहा, श्री और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया कि कई बहुत ही कड़वे वचन कर रही है और मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उघारे राम, सिर धुरी लीन उसास असी, बारसी मोही कुठाऊं। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरे धर कर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठेर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकला कठिन हो गया। आगे देख जर तरिस भारी, मनोरोष तरवार उघारी, मुठी को बंद धार निठुराई, धर को बरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई के कई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुभद्दी उस तलवार की मुठ है और निष्ठुरता धार है, और वह कुबरी रूपी मंत्रा सार पर धरकर तेज की हुई है। लखी मही पकरार कठोरा, सत्य के जीवन ले ही मोरा, बोले राव कठिन कर छाती, बानी सबनी तासु सोहाती। राजा ने कहा, बड़ी ही भयानक और कठोर हो, क्या सत्य ही है मेरा जीवन लेगी? राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ कई के प्रिय लगने वाली वाणी बोले, प्रिया वचन कस कहें को भाती, वीर प्रतीत प्रीत करिहाती, मोरे भरत राम दो आखे, सत्य कहो कर संकर साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो? भरत और राम तो मेरी दो नयन है, मेरी दो आंखें हैं, मैं दोनों के बिना नहीं रह सकता, यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। औसी दूत मैं पठई पराता, एही वेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोदि सबु साजु सजाए, देव भरत कहु राज बजाए। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुद्धवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर भरत को राज्य दे दूंगा, कितनी को बड़ी बात है। लोभ न राम राज कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचार जिए, करते रहो निपनीत। मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है, और भरत, भरत पर तो उसका विशेष प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, और इसीलिए बड़े को राज तिलक देने जा रहा था, लेकिन इसमें मेरे राम की कोई गलती नहीं, मेरा राम तो हंसते हंसते राजपाट दे देगा। राम सपत सत्य कहूं सुभाव,
राम माधु कछु कहियो ना काऊ। मैं सब कीर तो हे बिनु पूछे, तेही ते परे ओ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सुगंध खाकर स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने भी मुझसे कभी कुछ नहीं कहा इस बारे में। यदि तुम्हें ऐसे लगता हो कि कौशल्या ने कह दिया तो इसमें कौशल्या का भी कोई दोष नहीं है, मेरी ही गलती है जो मैंने तुमसे विचार मंडरा नहीं किया। मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन कर मांगा। मैंने अवश्य ही तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली रह गया। मुझे तुमसे तो बात कर लेनी चाहिए थी। रिस पर हरूं अब मंगल साजू, कुछ दिन गए हो भरत जुबराजू। एक ही बात मोहे दुख लागा, पर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दो मंगल साज सज, कुछ दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का दुख है प्रिय, तूने दूसरा वरदान बड़ा ही अर्चकन मांगा, वो मैंने सोचा नहीं था। अजू हृदय जरत जही आचा, रिस परिहास साची हूँ साचा। कहूँ तजी रोशु राम अपराधु, सब कहूँ कहे राम सुठ साधु। उसकी आँख से अब भी मेरा हृदय जल रहा है, ये दिल की में क्रोध में अथवा सच मुझ ही कि तूने क्या मांग लिया। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता दे, मेरा राम तो साधु स्वभाव का है, वो तो कभी किसी का दिल दुखाता नहीं। तेरा कौन सा अपराध कर दिया रानी जो तुमने उसके लिए बनवास मांग लिया। तू हूँ सारा हसी करी स्नेहू, अब सुनी मोह भयो संदेहू। जासु स्वभाव अरि अनुकूला, सो के भी करी मात प्रतिकूला। रानी तू तो स्वयं राम की सराहना करती, जन पर प्रेम किया करती थी। तेरा मुंह राम करे बिना राम राम लगाए रखता था, थकता नहीं था। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वे माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। हे रानी, मेरे राम ने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने उसके लिए वनवास मांग लिया। प्रिया हास रिस पर हर ही मांगो विचार विवेक, जही देखो अब नयन भरी भरते राज अभिषेक। वे प्रिय हसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार करवा मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज अभिषेक देख सकूं। जिए मीने भरो बार बिहीना, मनि बिनु फाने कुजे दुख दीना। कहीं उस भावना छलु मन माही, जीवन ओरी राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती हुई है, सांप भी चाहे मनी के दीन दुखी होकर जी ले, परंतु स्वभाव ही कहता हूँ रानी छल रख कर नहीं। मेरा जीवन मेरे राम के बिना कुछ भी नहीं है, मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकता है रानी, इसलिए सोच कर वर मांग। समझ देख जिए प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृद वचन को मिताय तजरई, मन हुआ न ले आहुति कृत पर ही। हे चतुर्प्रिय जी, में समझ कर देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई तंत्र जल रही है, मानो अग्नि में घी की खुतियां पड़ रही हो। कहीं करो कि निकोट उपाय, इहा ना लगे राउरी माई। देहू कि लेहू अजसु कर नाही, मोहे न बहुत प्रपंच सोहाई। कई कहती है आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यह आपकी माया है, या नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दे दीजिए, नहीं तो ना ही कह दीजिए। ये क्या बात हुई कि नो ना लो, मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते हैं। राम साधु तुम साधु से आने, राम मात भले सम पहचाने। जस कोकला मोर भरता का, तस फल उन्हें देऊं कर साका। राम साधु है, आप सियाने साधु है, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया, कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है ना, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होते प्रात मुनि वेश धरे, जो ना राम बने जाए। मोर मरण राव रे
जस नृप समझे मन माहे। सवेरा होते ही मुनि का वेश धरकर यदि राम वन को नहीं गया तो हे राजन मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका यश फैलेगा। इस तरह से धमकी दे रही है कैकेयी जी। अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी मानो रोष तिरंग निबाड़ी पाप पहाड़ प्रगट भय सोही भरी क्रोध जल जाई न छोई। ऐसा कहकर कुटिल कही उठ खड़ी हुई और बड़ो क्रोध की नदी उमड़ी। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है देखी नहीं जाती। दो बरकूल कठिन हठ धारा भवर कुबरी भजने प्रचारा डाहत भूप रूप तरुमूला चले विपति बारी भी अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं कि कई का कठिन हट ही उसकी धारा है और कुबरी के वचन की प्रेरणा ही भवर। राया दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली जाती है। लखी नरेश भाते पूरी साची दिए मिसमीच से पर नाची गही पदवी ने कीन बैठारी जानी दिनी करे कूलों से कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। चरण पकड़कर उसे बिठा कर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन रानी। मैं भरत को राज्य दे दूंगा लेकिन मेरे राम को वनवास ना दे। मांगो माथ अब ही देव तो ही राम बिरे जनी मारिस मोही राखो राम कहूं जेहि तेहि भांति नाही तजरे ही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले मैं तुझे अभी दे दे रहा हूँ पर राम के विरे में मुझे मत मार रानी। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी तू पछताएगी रानी तू पछताएगी। देख व्याधि असाधन रिप पर्यू धरन धुनी माथ कहत परमयारत वचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है तब अत्यंत अर्थवाणी से हा राम हे रघुनाथ हे रघुनंदन कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े विलाप करने लगे। आह वो तो दृश्य कहा नहीं जाता। जो जो राम भक्त है जो जो इस कथा को सुन रहे हैं और उनके आगे वो दृश्य आ रहा है उम्मीद है कि सबकी आंखें भर आई होंगी। व्याकुल राव से थेले सब काता कीरे निकल पात्रु मनु ने पाता कंठ सोक मुख आवन बानी जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए उनका सारा शरीर स्थिर पड़ा गया मानो खत्री ने कल्प वृक्ष को उखाड़ कर फेंका हो। कंठ सूख गया हो मुख से बात नहीं निकलती मानो पानी के बिना पहीना नामक मछली तड़प रही हो। पुनी कह कठु कठोर कहके मनु घाए महु माहुर दे जो अंत हूँ अस करे तब रे हूँ मांगु मांगु तुम के ही भल के हूँ। कि कहीं फिर कड़वे और कठोर वचन बोली मानो घाव में जहर भर रही हो। जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस पर बल कर कहा था क्यों मांग मांग के रहने लगा रखे थे। और राजा की हालत ऐसी हो गई है जैसे बिना पानी के मछली तड़प रही है। दुई के होई एक समय भवाला हंस उठ उठाए पलाऊं गाला दानी कहाऊं अरु कृपनाई हो एक खेम कुशल रोताई। हे राजा ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना
क्या ये दोनों एक साथ हो सकती है? नहीं, दानी भी कहाओ और कंजूस भी ना कहे कोई, कंजूसी भी करनी है। क्या राजपूती में शेम कुशल भी रह सकती है, लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे? ऐसा तो नहीं हो सकता राजा जी। छाड़ो हूँ बचनों के धीरज धरू, जनी बना जी में करुणा करूं। तनो दिए तने धामो धनु धरनी, सत्य संद कहूं तृण संभरणी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धरना कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइये पीटिए नहीं राजा जी, आप स्त्री नहीं है, ये काम स्त्रियों को ही सुहाते हैं। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब इनके बराबर कहे गए हैं। मेरी में वचन सुनी राव के, कहू कछु दोष न तोर, लागे ओ ते ही पिसाच जिमी, काल कहावत मोर। के कई की मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कह ले रानी, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया, वही तुझे ये सब कहला रहा है। रानी मेरा मरना निश्चित हो रहा है और कुछ नहीं। चाहते न भरे ते भूपते ही भोरे, भी दिवस कुमति बसे जिए तोरे, सो सब मोरे पाप परिणाम, भयो को ठाहरे जे विधि बामु। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहता पगली, मेरे भरत को राज का मोह नहीं है। होनहार वश तेरे जी में कुमति आवसी है, मेरा भरत ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ। ये सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसा में वेमों में विधाता विपरीत हो गया। सुबह से बसे फिर अवध सुहाई, सुबह से बसे फिर अवध सुहाई, सब गुने धाम राम प्रभुताई, करही भाई सकल सेवकाई, होई ते हो पूरी राम बड़ाई। ये सुंदर योद्धा फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुरों के धाम श्री राम जी की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊं, मोयो न मिटे न जाई काहू, अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठू महु कोई। केवल तेरा कलंक और ये मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, ये किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा रानी, मुझे अपनी ये शक्ल ना दिखा। राय दशरथ ने रानी से कहा कि रानी वक्त बदलेगा, मेरा राम का ही राज्य होगा, तुम देखना मेरा राम राज्य पर भी बैठेगा और चारों भाई ये मिलकर राज्य भी चलाएंगे, अयोध्या फिर से बसेगी। लेकिन ना तो ये तुम्हारा कलंक जाएगा और ना कभी मेरा ये पछतावा हटेगा। मैं मर भी जाऊंगा लेकिन मेरे मन से ये पछतावा नहीं जाएगा कि राम को राज्य नहीं दिया और तेरे नाम के साथ सारी उम्र के लिए युगो युगो के लिए कलंक लग जाएगा कि तेरी वजह से राम को वनवास हुआ था। जब लगी जियो कयो करे चोरी, तब लगी जनी कुछ कहे सब होरी, फिर पछिता हसी अंत भागी, मार सी गाई न हारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना। अरे भागनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू अब गाय को मार रही है। पर उराऊं कहीं कोटी विधि, काहे करे सिनिदान, कपट सियानी न कहित कुछ, जगते मनो मसान। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े पर कपट करने पर चतुर्क कहीं कुछ बोलती नहीं, मानो मसान जगा रही हो। राम राम रट विकल भवालू,
जलो बिनु पंख विहंग बेहालु, हृदय मनाव भोर जन होइ, राम ही जाय कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं, ऐसे व्याकुल हैं जैसे पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री राम जी से यह बात ना कहे। उदे करू जनी रवि रुख कुर, अवध बिलो के सूल होयु, भूप प्रीत के कई कठिनाई, उभे अवध विधि रची बनाई, विलपित निरपेहि भयो बिनु सारा, बिना बेनु संख धुनि द्वारा, पढ़ी भाट गुण गावहि गायक, सुनत नर पहि जनु लागहि सहायक। हे रघुकुल के गुरु, हे सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें, अयोध्या को देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा के प्रति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। विलपत नरपहि भयो बिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा, पढ़ही भाटे गुनी गावही गायक, सुनत नृपहि जनु लागही सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं और गवै गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को विवान जैसे लगते हैं। मंगल सागर सोहाइना कैसे, सहगा मनि विभूषण जैसे, तेहिन सिनीद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ छाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को भूषण, राम जी के दर्शनों की लालसा और साह के कारण उस रात्रि में किसी को नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचिव कहो दित रवि देख, जागे हो अजूनावध पति कारण कवन विशेष। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण हो गया कि जो अवध पति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे और वो महल से बाहर नहीं आ रहे हैं। पछिले पहरे भूप नित जागा, आज हमें बड़े अचरज लागा, जाओ सुमंत्र जगाओ जाई, कीजिए काज रजाए सो पाई। राजा ने इतने ही रात के पिछले पैर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत जी, जाइए और जाकर राजा को जगाइए, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, आज राम जी का तिलक है और राजा जी जागे नहीं, ऐसा कैसे हो गया। गए सुमंत्र तभी राव रे माही, देखी भयावन जात डराही, धाई खाए जनु जाए न हेरा, मानु विपत्ति विषाद बसेरा। तो सुमंत्र रावण में फंस गए, महल को भयानक देखकर जाते हुए डर गए, मानो दौड़ कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा था। पूछे को ना उतरु दे, गए जही भवन पूपक के, कहे जह जीव बैठ सिरुनाई, देख भूप गति गयो सुखाई।
पूछने पर कोई जवाब नहीं देता, वे उस महल में गए जहाँ राजा और कई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर बैठो राजा की दशा देखकर तो मुख ही सूख गया, सूख खेर से रह गए कि अरे राजा जी की ये हालत क्या हो गया है, क्या हुआ महाराज आपको। सोच विकल विवरण मही पुर मानो कमल मुने पर हरिऊ, सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोले अशुभ भरे शुभ छूची। राजा सोच से व्याकुल चेहरे का रंग उड़ा, जमीन पर ऐसे पड़े मानो कमल जड़ छोड़कर मुरझाया हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते, तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से भी इनके कई बोली, परी नाराज ही नींदन सी हे तू जाने जगदीश, राम राम रटी भोर की कहीं ना मरमो महेश। राजा को कई बोलती है राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वरी जाने, इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु उसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं। ऐसा बोल रहे कई जी, सीधा नहीं बोलते कि ऐसा मेरे कारण हो रहा है। अनुराम बेग बुलाओ समाचार तब पूछे हुआ, चले सुमंत्र राम रुख जानी लखी कुचाल कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुलाओ तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी की ही ये कोई चाल है। आखिरकार मंत्री है राजा के, बुद्धिमान होते हैं, पता होता है उनको कि राजा जी ऐसे ही जमीन पर नहीं पड़े हैं, कोई बात हुई होगी। सोच भी कल मग परे न पाऊ, राम ही बोल कहीं कह राऊ, और चल दिए राम जी की ओर। समाधान कर सो सब ही का गये हो जहां दिन कर कुल्टी का, राम सुमंत आवत देखा आदर कीन पिता सम देखा। सब लोगों का समाधान करके सुमंत वहां गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक रामचंद्र जी थे। राम जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान जान गुरु का आदर किया। निर्क बदन कहीं मुंह पर जाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई, राम को भांत सचिव संग जाही, देखे लोग जह तह बिन खाही। रामचंद्र जी के मुख को देखकर राम जी की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल दीपक रामचंद्र जी को लिवा चले, और रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लिवाज में जा रहे हैं, ये देखकर लोग जहां तहां विशाल कर रहे हैं। जाई दीख रघुवंश मणि नरपति निपटे कुसाज, सैव पर उलके सिंह नहीं मानहु ब्रेद गजराज। रघुवंश मणि राम जी ने जाकर देखा कि पिताजी की ये हालत, अत्यंत बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंह देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूख ही अतर जरे सब अंगु, मनो दीन मनहीन वो अंगु, सरुष समीप देख कह के ही मानो मीच घरी गिन लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरे के कई को देखा, मानो मृत्यु बैठी हो और घड़ियां गिन रही हो। करुणा में मृदे राम सुभाऊ, प्रथम देख दुख सुना न काऊ, तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछ मधुर बचने मह तहारी। राम जी का स्वभाव को करना में है, उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय विचार करके हृदय में धीरे धर के उन्होंने मीठे वचनों से माँ से पूछा, माता ये क्या हो रहा है। मुई कहो माते तात दुख कारण, करी जतनी जे ही हो ए निवारण, सुनो राम सब कारण एहु, राज ही तुम पर बहुत स्नेहु। हे माँ मुझे बताइए पिताजी दुखी क्यों है, क्या कारण है पिता के दुख का, ये हाल मैंने कभी मेरे पिता का नहीं देखा। माँ मुझे बताओ मैं किस यतन से इस दुख को दूर करूं, तो मेरे पिताजी पहले के समान हो जाए, मैं इस दुख का निवारण करूं, माँ मुझे बताओ। तो कई क्या कहती है, राम सुनो सारा कारण यही है कि राजा का तुम में बहुत स्नेह है, तुम ही कारण हो, तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम ही स्नेह ही कारण है राजा के दुख का।
दीन कहिन मोहि दो वरदाना, मांगियो जो कुछ मोहे सोहाना। सो सुनी भयो भूप और सोचू, छाड़ न सके तुम्हारे संकोचू। इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था, मुझे जो अच्छे लगे वो मैंने मांग लिए। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सूत सने हुई ते बचनूत, संकट परो नरेश। सकुन आए सुधरूस, बेटू कठिन कलेश। इधर तो पुत्र स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा, राजा इस धर्म संकट में पड़ गए। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा श्रद्धारे करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निधर के बैठी कही कटुबानी, सुनद कठिनता अति अकुलानी। जीभ का मान वचन सरीनाना, मनु में ही पमृद लक्षण समान। कि कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़क वचनी बोल गई, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता में व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है और बहुत सी तीर है, और मानो राजा ही कोमल निशाने का समान है। बड़ी आसानी से रानी ने ये शब्द बोल दिए और बाकी सब देखते ही रह गए। जनो कठोर पनो धरे शरीरो, सिखे धनुष विद्या बर भीरो। सब ऊपर संग रघुपति सुनाई, बैठे मनु तनु धरे निठुराई। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृद मंजुल जनु भाग विभूषण। मानो स्वयं कठोर पर श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वैसे बैठी मन निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल स्वाभाविक नंद निधान रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनो जनिनी सोए सूत बड़े भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तने मातु पितु दोष ने हारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। हे माँ सुनो, वे पुत्र बड़ा भागी है जो मात पिता के वचनों का अनुराग करे। मां पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ये जननी संसारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलन विशेष बन, सब ही भांते ही ते मोर। तेही मैं पितु आए सुबहुर, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मुनियों का मिलाप मिलाप होगा मेरे से, अगर मैं वन में जाऊंगा तो, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। उससे भी फिर पिता की आज्ञा और ये जननी तुम्हारी संपत्ति, और क्या चाहिए, तुम्हारी सहमति भी तो है साथ में। भरत प्राण प्रिय पावहि राजु, विधि सब विधि मोहे सन्मुख आजु। जो न जाओ बन ऐसु काजा, प्रथम गने मोहे मूढ़ समाजा। हे प्राण प्रिय भरत, राज्य पावेंगे। सभी बातों को देखकर प्रतीत होता है कि अन्नदाता सब प्रकार से मुझे मेरे अनुकूल ही फल दे रहा है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले गिनती मेरी होगी। माँ से वही अरुण कल्पत्रु ते आगी, पर हरि अमृत लही विशु मांगी। ते उना पाई समयोच काही, देखो विचारे मातु मने माही। जो कल्प वृक्ष छोड़कर रेण की सेवा करते हैं, अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, माँ तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख है, ऐसा मौका पाकर कभी चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहे विशेष, निपट विकल नर नायक देखी। तोरे ही बात पिति दुख भारी, होत प्रतीत न मोहे महता। ये माँ मुझे एक दुख हो रहा है,
महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए पिता ने इतना दुख ले लिया। माँ, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। ये भी कोई बात थी? व्यर्थ में इतनी फिक्र ले ली पिताजी ने। राव धीर गुर उदित अगाधु, बाहु मोहे ते कुछ बड़े अपराधु, जाते मोहे ना कहो कुछ राव, मोरे सपते तो ही कहो सते भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुण था समुद्र है, अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया होगा, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते हैं। तुम्हें मेरी सुगंध है माँ, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुवर वचन, कुमते कुटिल कर जान, चले चौक जल वक्र गति, यद्यपि सलिल मानस आवर, राम जय जय राम। तो हमने देखा आज की कथा में कि किस प्रकार को भवन में रानी ने अपने दोनों वरदान राजा से मांग लिए हैं और रामचंद्र जी को भी वहां पर बुला लिया है, और पिता की आज्ञा जानकर रामचंद्र जी को पता लग चुका है कि उनको वन में जाना है और भरत को राज्य मिलेगा। लेकिन अभी ये नहीं पता है कि ये आगे कई माता ने और कौन सा जाल बिछाया हुआ है, किस प्रकार वन में जाना है। तो वो सब संवाद कई के साथ जो राम जी के चल रहे हैं। तो ये कथा आगे सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारी अगली वीडियो के लिए। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और एक बार फिर से आपसे यही प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर कि यदि आपको हमारी कथा 1% भी अच्छी लगती हो और आप भी चाहते हैं कि आपके माई भाई कोई भी है वो रामायण का पाठ सुने, तो प्लीज़ एक शेयर तो बनता है, कम से कम 1% को तो आप डेली शेयर कीजिए, ताकि हमारी ये जो हमने छोटा सा प्रयास किया है राम नाम से जोड़ने का, ये आगे तक जा सके। जय श्री राम। धन्यवाद।